टोना पौला नाम की एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी, जिसको ग्वानीस मछुआरे से प्यार हो गया, पर उसके पुर्तगीज फादर को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने दोनों को अलग करने की ठानी, पर दुखी होके वो गोवा के एक क्लिप से कूदकर अरेबियन सी में अपनी जान दे दी। उसके बाद उसके दुखी पिता ने एक गांव का नाम अपनी बेटी के ऊपर रखा, जिसका नाम है डोना पौला। डोना पौला पंजीम से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक बहुत ही दुखद और मशहूर कहानी है गोवा की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 2021 में हम गए थे दिसंबर के महीने में गोवा पे, और हम जब लौट रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि अभी तो हम लौट रहे हैं लेकिन हम जल्द ही वापस आएंगे। एंड सी, हम 2 साल के बाद फिर से चल पड़े हैं गोवा के लिए। इस बार हमने अप्रैल का महीना चूज किया है। नॉर्मली लोग अप्रैल के महीने में हिल्स पर जाते हैं, क्योंकि बैंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमने अप्रैल के महीने में भी सोचा कि हम बीच पर ही जाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड था तो हमने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट ट्रिप किया जाए गोवा के लिए। तो लकीली इस बार का हमारा जो टर्मिनल है वो है T2, मतलब टर्मिनल 2 बैंगलोर का, जो अभी अभी नया बन के रेडी हुआ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टर्मिनल 2। और ये है हमारा बैंगलोर एयरपोर्ट का फेमस स्टैचू ऑफ प्रॉस्परिटी, जिसको 84 करोड़ खर्च करके बनाया गया है, जो कि 33 मीटर के करीब लॉन्ग है। हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो फ्लाइट लिया था वो था सुबह के 6 बजे का फ्लाइट, जिसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार हमने ऑलमोस्ट 1 बजे का जो फ्लाइट है वो वाला फ्लाइट लिया, ताकि हम आराम से जा सके, पूरा एयरपोर्ट घूम सके, उसके बाद फिर हम जा सके। और सबसे बड़ी बात है ताकि जाके हमें वेट ना करना पड़े होटल पे पहुंचने के बाद। और ये हम पहुंच गए हैं, हमारा टर्मिनल 2 आ गया है। ये है बाहर का नज़ारा, और हम आपको सबसे पहले T2 पूरे अच्छे से घुमा के दिखाएंगे, अंदर का सब कुछ, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन है। हमने सुना था, फ़ोटोज़ भी देखे थे, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे पहले बार अभी कर रहे हैं, पहली बार अभी ट्रैवल कर रहे हैं T2 बनने के बाद। ये सारा जो वॉक है वो आप सामने से देखोगे तो पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल है ये वॉक। सारे वुडन वर्क है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है। इस पूरे टर्मिनल में कोई भी एसी नहीं है, सिर्फ इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ताकि ये पूरा एयरपोर्ट पूरी तरह से एसी की तरह टेम्परेचर मेंटेन रहे विदाउट यूजिंग एनी एसी और एयर कूलर। प्लान्स ही प्लान्स हैं अंदर, वो जो हैंगिंग्स आप देख रहे हैं उसके अंदर भी पूरा प्लान्स ही लगाया गया है। कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आराम से टक्कर देने वाली है ये टर्मिनल 2 बैंगलोर का। हमें पक्का 1 से 1.5 घंटा लग गया सिर्फ इसको घूम घूम के देखने के लिए। एयरपोर्ट हमने बहुत सारा देखा है, मतलब जितना भी हमने थोड़ा बहुत घूमा है। नहीं, आप देख सकते इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कितनी इको फ्रेंडली है। वुडन का काम किया गया है, उसके साथ साथ इतने सारे प्लांट्स है, वो जो ये जो बेल्स है उसमें भी सारे लाइव प्लांट्स लगे हुए हैं।
अगर आप पहली बार आ रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे और अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम हाथ में लेके आइए सिर्फ इसको घूमने के लिए। आपका टाइम कहाँ से पास हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एयरपोर्ट से घुसने के बाद ही जो एरिया है वहाँ पे इतना टाइम हमने स्पेंड कर दिया कि हमें याद ही नहीं था कि हमें जाके फिर अपना चेक इन भी करवाना है। उसके बाद घूमने के बाद ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे के बाद हमें अचानक से याद आई कि हमारा फ्लाइट भी है और हमको ब्रेकफास्ट भी करना है। तब ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा था। उसके बाद हम जाके भूख के मारे भाग भाग के गए और लाउंज में जाके अपना ब्रेकफास्ट किया। ये है एयरपोर्ट का एक दूसरा पार्ट। यहाँ से चल के जाने के बाद फिर लेफ्ट लेने के बाद स्टार्ट होती है जो लाउंज एरिया है और जो शॉप्स वगैरह होता है वो पार्ट। लाउंज में सिंपल साउथ इंडियन फूड से अवेलेबल था ब्रेकफास्ट के लिए। इसके अलावा ब्रेड बटर और नॉनवेज में सिर्फ हमें चिकन सॉसेजेस दिखे। आप हमारे प्लेट पर देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, 5 or 6 minutes की डिले। हमने विस्तारा लिया था और विस्तारा में एक एडवांटेज है, आपको पता है कि विस्तारा में वेज मील दिया जाता है, लेकिन हमने जो कि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो इसीलिए हमने वो ऑप्ट नहीं किया। एक घंटा 10-15 मिनट तक लगता है फ्लाइट में नॉर्मली, क्योंकि हमेशा एडवांस लैंडिंग होते हुए ही हमने देखा है। और हम गोवा पहुंच चुके हैं, विद इन 5-10 मिनट्स हम लैंड करेंगे। आप ऑलरेडी ऊपर से देख सकते हैं पूरा सी व्यू है। गोवा में अभी अभी एक नया और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ओपन हुआ है जो है मोपा एयरपोर्ट, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारा जो एरिया है, फेमस एरिया स्पेशली, मतलब जो बीच है, जो बीच के साइड वाले जगह है, वहाँ से काफ़ी दूर है, तो अभी भी ओल्ड एयरपोर्ट ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। लास्ट टाइम हम मिस कर गए थे तो हमने एयरपोर्ट के बाहर से कैब लिया था, लेकिन इस बार हमने एयरपोर्ट के अंदर से प्रीपेड टैक्सी लिया जिसका प्राइस हमें काफ़ी कम लगा कंपेयर टू लास्ट टाइम। इस बार हम रह रहे हैं साउथ गोवा में। गोवा का सबसे दो ही फेमस पार्ट है, एक है साउथ गोवा, एक है नॉर्थ गोवा। दोनों जगह पे आप अपने हिसाब से रह सकते हैं। जैसे अगर किसी को हैपनिंग गोवा एंजॉय करनी है, जैसे गोवा के बीच बहुत ज़्यादा क्राउडेड बीच अगर आपको चाहिए, पब्स चाहिए, क्लब्स चाहिए, अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, अगर आपको जो क्रूज़ होते हैं या फिर जो ओवर द वाटर क्लब्स होते हैं वो कसिनो वगैरह इंजॉय करनी है, तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ गोवा में रहनी है। और अगर आपको दूसरा एक जो पार्ट है गोवा का जो कि कंपेयर टू नॉर्थ गोवा बहुत ज़्यादा क्वाइट एंड काम है, और वो है साउथ गोवा। अगर आपको गोवा के सीरीन बीचेस आपको इंजॉय करनी है, आपको अगर गोवा में जाके सिर्फ रिलैक्सेशन इंजॉय करनी है, तो आपको डेफिनेटली साउथ गोवा में जाना है। साउथ गोवा बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है, अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं होती है और बीचेस भी बहुत ज़्यादा अभी भी सिक्लूटेड है। होटल के अंदर जाने से पहले का ये जो 1.5-2 किलोमीटर है, यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट्स, बार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आप
आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप बाहर से खाना खाएंगे, लोकल कुजीन एक्सप्लोर करेंगे, तो आप बाहर आके भी खाना खा सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट पर, जो है नोवोटेल जोना पॉला सिल्विया। साउथ गोवा में एक एक जगह पे कुछ होटल्स हैं, लेकिन सब जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा होटल्स या बहुत ज़्यादा ऐसे क्लब्स, पब्स, नाइट लाइफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पब्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ये है नोवोटेल का एंट्रेंस लॉबी। ये होटल कैबुलसम बीच पर है। कैबुलसम बीच पर और भी बहुत सारा फाइव स्टार प्रॉपर्टी है, जैसे इसी होटल के एग्जैक्टली बगल में है रेडिसन ब्लू हॉलीडे इन और भी कुछ प्रॉपर्टी। कैबुलसम बीच के एक साइड पर है बेतुल बीच और दूसरी साइड पे भी कैबुलसम बीच के। ये जो प्रॉपर्टी है इसका एक प्राइवेट बीच है, उसके बाद फिर उसका पब्लिक बीच आती है, उसके बाद है फिर मोबोर बीच। मोबोर बीच जो है वो साउथ गोवा का सबसे लास्ट बीच है, उसके बाद फिर हिल्स स्टार्ट हो जाती है। नोवोटेल होटल एयरपोर्ट से काफी दूरी पर है, 36 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आने में काफी ज्यादा टाइम लगती है। इस बार हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत लेट भी हो चुके थे, तो जाते ही हमें रूम अलर्ट कर दिया गया। यहाँ पे भी कई कैटेगरीज के रूम हैं, जैसे बाकी के होटल्स में होते हैं। वो लोग यहाँ पे रूम्स को एक एक क्लस्टर में डिवाइड किए हैं, एक एक जोन है। जैसे लॉबी से घुसने के बाद फिर लिफ्ट में जाने से बीच आती है, तो वो बीच तक की जो दूरी है उसको कवर करने के लिए जो एरिया है उसी के ऊपर सारे रूम्स हैं। तो जैसे जितने आप बीच के पास होते जाएंगे उतने ज़्यादा रेट्स भी बढ़ते जाएंगे रूम्स के, और उसी जोन का एक एक नाम भी है। जैसे सबसे पहले जो नाम है वो है रोज़ क्लस्टर, उसके बाद है एक्जोरा, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और जगह है जहाँ पे और दूसरे टाइप के रूम्स हैं, जिसका नाम दिया गया है पम एरिया या पम क्लस्टर। रोज के बाद है एक्जोरा, उसके बाद है हिबिस्कस, और उसके बाद है लिली। लिली जो है वो सबसे प्रीमियम कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो बीच के सबसे पास है और उसी हिसाब से डिज़ाइन भी किया गया है। जिस जोन में इनका नाम जो है उस हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जैसे रोज़ एरिया में सारे रोज़ लगाए गए हैं, फिर हिबिस्कस एरिया में सिर्फ हिबिस्कस प्लांट्स है, लिली जोन में सिर्फ लिली प्लांट्स है, और एक्जोरा में एक्जोरा प्लांट्स है। आप देख सकते हैं इट्स ए ह्यूज प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ये कॉमन स्विमिंग पूल है। हमने जो रूम लिया था वो है हिबिस्कस जोन में। सबसे फर्स्ट में आती है लिली जोन का जो रूम है वो सबसे प्रीमियम रूम है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि लिली के सामने कोई भी स्विमिंग पूल वगैरह कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे लिली के आगे पूरा ग्राउंड है, और उसके बाद 100 मीटर्स चल के जाने के बाद फिर जाके हमने रूम लिया था हिबिस्कस जोन में। वहाँ पे बीच में एक छोटा सा पूल भी था, तो वो जो पूल है वो हिबिस्कस जोन में जो रूम्स है सिर्फ वहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए था, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये वाला रूम लेते हैं तो हम आसानी से पूल एक्सेस भी कर पाएंगे। ये वाला जो बड़ा पूल है ये सब के लिए था, लेकिन वो वाला जो पूल है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि प्राइवेट पूल टाइप का था। ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में पूल है और राइट साइड में हमारा रूम है। फर्स्ट फ्लोर में था हमारा रूम, क्योंकि हमने जो रूम लिया था वो था रूम विद बालकनी।
अभी हम आपको रूम अच्छे से घुमा के दिखाएंगे। रूम चार्जेस हमें करीब 13,000 पर डे के हिसाब से पड़ी थी, लेकिन वो सीजन और डेट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप डेफिनेटली बुकिंग से पहले वेबसाइट चेक करेंगे। ये है रूम का एंट्रेंस। सीढ़ी से आते ही लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक है। रूम मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत दिनों बाद एक कोजी सा फील आया रूम को देखने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सजाया गया है। ये बहुत ज़्यादा क्लासी है। ज़रूरत के सारे सामान यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो टेबल के ऊपर आप देख रहे हो, ये सामान कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी, ये सारे चार्जेबल थी और चार्जेस वगैरह सब कुछ लिखा गया था नीचे। मिनी बार का भी क्या क्या चार्जेस है वो भी दिया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री हर होटल में होती है, टी एंड कॉफ़ी, शुगर और वाटर बॉटल्स, ये भी थे। एक मिनी फ्रिज जो कि हर होटल में दिया जाता है, और फ्रिज के अंदर जो भी था वो सब कुछ चार्जेबल था। रूम का जो भी इंटीरियर था थोड़ा सा मुझे जैसे पोर्टुगीज टाइप का लगा। खास करके फ्लोर थोड़ा सा विंटेज है, जो आपको थोड़ा सा ओल्ड गोवा का जो फील है वो देती है। यहाँ से है बाथरूम। बाथरूम का साइज काफी बड़ा था, जहाँ पे आपको जरूरत की सारी चीजें अगेन दिया गया था। शॉवर एंक्लोजर भी था। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है ये जो प्रॉपर्टी है, खास करके ये जो रूम है, ऊपर के रूम्स, ये शायद बिल्कुल नए बनाए गए थे। मतलब पेंट का स्मेल तभी भी आ रही थी थोड़ा थोड़ा, तो बिल्कुल ये नया एक एडिशन है। तो सब जगह से बिल्कुल एक नया एक जो फील है वो आ रही थी। एक जो वार्डरोब है वहाँ पे भी सारी चीज़ें दी गई थी, लॉकर, शूज़, लॉन्ड्री बैग और आयरन। ओवरऑल रूम मुझे काफी पसंद आया, साइज भी ठीक ठाक ही था। अब चलिए आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। बैल्कनी से व्यू कुछ इस तरह है। बैल्कनी में भी बैठने का काफ़ी जगह है। यहाँ पे टेबल्स, चेयर, कपड़े सुखाने के रैक्स, मतलब आपको जो भी चाहिए सब कुछ दिया गया था। ये देख सकते हैं आगे है स्विमिंग पूल, जो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। और ये है बालकनी से व्यू। वो जो आगे की तरफ जो रूप्स आपको दिखाई दे रही है, घर के जो छत दिखाई दे रही है, वो है लिली के रूम्स। उसके बाद जाके ग्राउंड है, उसके बाद फिर बीच है। थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल गए हैं। अभी हम लिली जोन में खड़े हैं। इसके आगे आप देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है। ये पार करके फिर और थोड़ा सा चल के जाने के बाद स्टार्ट होती है समुंदर। यहाँ से कहीं से भी आपको रूम से समुंदर नहीं दिखता है, क्योंकि समुंदर यहाँ से चल के जाने के बाद काफ़ी दूरी पर है। ये जो ह्यूज प्रॉपर्टीज होते हैं इनका डिज़ाइन ऐसा ही होती है, क्योंकि बीच होटल्स का दो टाइप होता है। एक होता है जो बिल्कुल बीच के ऊपर उडेन जो एक एक कैबिन बनाया जाता है, ये भैया कैमरा देख के बहुत खुश हो गए, हंस हंस के बोल रहे थे आप अच्छे से लीजिए हमारा फ़ोटो। तो हाँ, तो जो बोल रही थी, और एक जो होते हैं जो ये इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये अगर कभी पानी ज़्यादा बढ़ गया या ऐसा कुछ होता है तो डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और परमिशन भी नहीं मिलती, इसीलिए ये बीच से काफ़ी दूर होती है। हालाँकि ये बीच रिजॉर्ट है, लेकिन सेफ्टी के रीज़न की वजह से काफ़ी दूर होती है।
यहाँ पे जो सैंड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वाइट सैंड है, और पैर रखने से फील कर सकते थे कि बिल्कुल पाउडर डस्ट की तरह था, बिल्कुल ये जो सैंड है वो पैर में लग नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम पाउडर के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ से चल के जाने पे ऐसा वाइट सैंड है, अचानक से फिर जो सैंड का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, फिर हमें थोड़ा सा येलोइश सैंड जो है वो मिलता है। गोवा में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि गोवा के समुन्द्र में आप नहा सकते हो, जैसे पहले वाले जो बीच होती है, जैसे हमने दिखाया था जैसे पौंडीचेरी का बीच हो गया, फिर उडुपी का भी जो भी बीच था, वैसे वाले बीच जो है वहाँ पे इंक्लाइंड बीच है, तो आप चाह के भी नहा नहीं सकते क्योंकि अचानक से आपको ऐसा लगता है जैसे उतरते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप में चले गए। लेकिन गोवा में जैसे ऐसे फ्लैट ज़मीन है, सैंड है, तो ऐसा लगता है कि आप जितना अंदर जाओगे वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, तो ये बेसिकली नहाने वाले बीच है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। गर्मी का आपको बता दें, सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी। अप्रैल में हम गए थे, हमें डर लग रहा था कि ये टाइम में नहीं जाना चाहिए खास करके बीच पर, लेकिन हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ था कि जो समुद्र का पानी था वो बिल्कुल ही ठंडा नहीं हो रही थी, मतलब एंड तक हमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ही मिला। एक होता है ना कि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, वैसा नहीं था। और बहुत दिनों बाद ऐसा क्लियर वाटर देखने को मिला, आप देख सकते हो हमारा पैर भी दिखाई दे रहा है, कितना क्लीन वाटर है। बहुत ज़्यादा क्लाउडी अभी हो गई है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। बारिश काफ़ी बढ़ गई तो हमें मजबूरन वापस जाना पड़ा। उसके बाद फिर बारिश थम भी गई थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो हम और दोबारा बाहर नहीं निकले, मतलब ये आए थे एक बार खाना खाने के लिए और थोड़ा सा रात में घूमने के लिए, लेकिन मैं सो गई थी। तो आप अभी सुबह हो गई है और मैं अकेली आई हूँ अभी बीच पर। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन देख के पता नहीं चल रहा क्योंकि काफी ज्यादा धूप है ऑलरेडी। वो जो लेफ्ट साइड में आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके एग्जैक्टली आगे है मोबोर बीच, और यहाँ से कैमरा घुमाने से राइट साइड में है बेतुल बीच। यहाँ पे आके आपको लगेगा ही नहीं कि आप गोवा के किसी बीच पर खड़े हो, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली बीच है, और ये बीच मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही रहता है। इस बीच को रिज बीच भी बोला जाता है, इसका रीज़न ये है कि इसी बीच के ऊपर जो भी 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ है, एक के बाद एक सारे प्रॉपर्टीज़, 4-5 प्रॉपर्टीज़
एक साथ है तो इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है। हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, तो जो लोग थोड़े से सिक्लूटेड और थोड़े से जैसे शांत जगह पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बीच के साइड में, वो ऐसी जगह आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मन की शांति 100% मिलेगी। बिल्कुल शांत जगह है, सिर्फ आपको समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। ये देखिए लोग सुबह सुबह नहाने निकल गए हैं पूरे मज़े लेते हुए। सबसे ज़्यादा गोवा में अगर मैंने फॉरेनर्स देखा है तो मोरजिम बीच में मैंने देखा है और इस बीच पर मैंने देखा है। दो टाइप के फॉरेनर्स नॉर्मली गोवा पे आते हैं। एक है जो बैकपैकर्स, जो बिल्कुल पार्टी के मूड में आके गोवा में रहते हैं, नाइट लाइफ इंजॉय करने आते हैं, फुल मस्ती के लिए आते हैं, वो एक टाइप के होते हैं। दूसरे है जो थोड़ा सा जैसे समुंदर और सन टैन के अट्रैक्शन में यहाँ पे आते हैं, वो इस टाइप की जगह और इस टाइप के होटल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने देखा है जितने दिन मैंने सुबह यहाँ पे आई हूँ, हर दिन मैंने कुछ फिक्स लोगों को मैंने देखा है जो बाहर की कंट्री से आए हैं। वो सुबह सुबह डेली उनको मैं जितना भी सुबह आई हूँ वो मैंने देखा है, वो लोग नहा रहे थे। तो वो बिल्कुल सिर्फ नहाने के लिए, समुंदर का लुफ्त उठाने के लिए यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि साउथ गोवा बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ पे आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब गोवा के किसी बीच पर है, बिल्कुल शांत है, ज़्यादा शैक्स भी नहीं है। दो तीन शैक्स ही आपको दिखेंगे जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो भी आपको खाना चाहिए होगा, गोवानीज फूड जो होते हैं लोकल फूड, वो आपको मिल जाएगा। प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल था। 8:30 के करीब अभी बज रही है और मुझे लग गई है भूख, तो चलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। हम जब उस टाइम पे गए थे उस टाइम पे ईस्टर चल रही थी, तो ये सारा उसी थीम के हिसाब से सजाया गया था। ये देखिए बड़े बड़े ईस्टर एग्स। यहाँ का खाना हमें बहुत पसंद आया। खास करके मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो है यहाँ पे सबके टेस्ट का ख्याल रखा गया है, ना कि किसी एक स्टेट को या किसी एक टाइप के लोगों का ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है कि एक को मतलब एक ही टाइप का खाना आपको सर्व किया जाएगा, कि आपको ना चाहते हुए भी उसी टाइप का खाना ही आपको खाना पड़ेगा। आप देख सकते हो दो टाइप का इडली था, एक वेजिटेबल और इडली, पराठा काउंटर, बड़ा, दाल के बड़े भी थे, ये है मिक्स वेजिटेबल, छोले, भटूरे, बीटरूट रायता। अब गोवा में बैठ के आपको छोले भटूरे मिल रही है, इससे बढ़िया चीज़ और क्या ही हो सकती है। कई तरीके के सलाड्स यहाँ पे थे, लोग अपने पसंद के हिसाब से खा रहे थे। ये था पूरा कोल्ड कार्ड्स काउंटर, चीज़ काउंटर, जूस, कई तरीके के मफिन्स और बन और केक, डोनट्स। ब्रेड बटर जैम जेली ये सब का यहाँ पे काउंटर था। टू टाइप के जूस और कोल्ड कॉफी भी था। लाइव काउंटर में पैनकेक्स बनाए जा रहे थे। यहाँ पे फ्रूट काउंटर, सॉसेज, बेकन, ऑमलेट, जिसको जैसा चाहिए, कोई सनी साइड अप, कोई प्रॉपर ऑमलेट, ये सब कुछ यहाँ पे था। मतलब ओवरऑल खाना सबके पसंद के हिसाब से था। और ये एक बिल्ली आई थी हमारे पैर के नीचे, उसको भी हम नीचे से थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे थे। हमें डर था कि कोई मैनेजमेंट से अगर इसको देख लिया तो इसको हटा देंगे वो लोग, तो नीचे चुपके बैठी हुई थी और हम इसको थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे थे। ये है मेरा प्लेट, आप देख सकते हो।
अच्छे से खाना खाने के बाद फिर हम वापस रूम गए। ये जो जोन है ये था उनका पम जोन, यहाँ पे भी बहुत सारे रूम हैं। इतना हरियाली और पेड़ पौधे मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये रिजॉर्ट, और इसका एरिया भी काफी बड़ा है। खाना खाने के बाद फिर हम वापस आ गए थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद बीच पर। लेकिन धूप काफी ज्यादा थी तो हम थोड़ा सा छाव देख के एक जगह बैठ गए। हमने एक रेड स्नैपर फिश ऑर्डर दिया था जिसका प्राइस काफी रीजनेबल लगा। लास्ट टाइम हमने यही वाला फिश खाया था लेकिन उसका प्राइस हमें डबल से भी ज्यादा पड़ी थी, लेकिन इस बार का प्राइस काफी ज्यादा नहीं लगा हमें। अभी दोपहर का टाइम है, हमने लंच कर लिया था और अभी हम जा रहे हैं वापस। हम जो फिश खाए थे और फिश चिली फिश खाए थे ये सब खा के हमारा लंच कंप्लीट हो गया। गोवा आएंगे और फिश नहीं खाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है हमारे रूम के सामने वाला पूल, पूल का पानी भी काफी गर्म था। हम जब रूम में घुसे तो हमने देखा एक व्हाइट चॉकलेट का बनी हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया था। अभी बजे रात के 7:30 और हम जा रहे हैं फिर से बीच पर। शैक्स पर हमने थोड़े से स्नैक्स खाए और हम काफी देर तक वहां पे बैठे थे। 10:30-11 तक आराम से इस बीच के ऊपर आप बैठ सकते हो। जो भी शैक्स वगैरह है उनके लाइट्स बहुत देर तक जलती है तो सेफ्टी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11 बजे के बाद जब सारे लाइट्स बंद होने चालू होते हैं तब अंधेरा छा जाता है। डिनर हमने होटल से ही मंगवाए थे, ये था मिक्स चाउमीन, लेकिन क्वांटिटी हमें थोड़ा कम लगी और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था प्राइस के हिसाब से। आज है 3rd day और आज हम बाहर निकले हैं फाइनली। अभी तक हम होटल में ही थे और होटल के साथ का जो बीच है वहीं पे ही घूम रहे थे। फाइनली हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। आगे का जो भी पार्ट है वो देखने के लिए आपको 2nd part इस वीडियो का देखना पड़ेगा। ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।